जय श्री कृष्णा। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीति जीतो ऑफिशियल के डेली रूटीन ब्लॉग में। सो गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, फाइनली वो वक्त आ गया है जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, और आज मेरी प्रेगनेंसी का 9 मंथ हो चुका है। मुझे डॉक्टर से रिपोर्ट भी मिल चुका है, आज जाने की बात है। मैं सोच रही हूँ कि जाते जाते रेडी भी हो जाऊँ और आपके साथ बातें भी कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, ना लेट पा रही हूँ ना बैठ पा रही हूँ। तो इसलिए सोचा क्यों ना थोड़ा हल्का फुल्का मेकअप भी कर लिया जाए, क्योंकि जाने की तैयारियाँ भी हो रही है। और बीमार हो चाहे प्रेग्नेंट हो या कुछ भी हो, थके हो, मुझे मेकअप बहुत ही पसंद है। तो कुछ भी हो जाए, मुझे थोड़ा बहुत तो मेकअप चाहिए ही। तो सोचा क्यों ना मेकअप के साथ साथ ही आप लोगों से बातें किया जाए। तो यहाँ मेरी मेकअप भी स्टार्ट है और आपसे बातें भी स्टार्ट है। सो गाइस, फाइनली 9 मंथ हो चुका है और आज वो लास्ट दिन है जिस दिन मुझे डॉक्टर के पास जाना है। कल मेरी डिलीवरी है और ये सी सेक्शन है, क्योंकि डॉक्टर ने डेट दे दिया है तो कल ही है। और आज मुझे एडमिट भी होना है। डर तो बहुत लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा क्या, बट आशा माँ पर भरोसा है, जो होगा अच्छा होगा, सब ठीक होगा बिल्कुल। सो गाइस, आज का दिन कैसा रहा मेरा, चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो पहले तो मैं सुबह सुबह उठी थी, इसके बाद सारा मैंने थोड़ा बहुत काम निपटा। वैसे मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ, बस खाती हूँ और सो जाती हूँ, क्योंकि सही बताऊँ तो मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए मैं खाती हूँ और सोती हूँ। बट थोड़ा बहुत जो होता है एक दो काम वो मैं निपटा लेती हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। फिलहाल अभी वे रेडी होने वाले हैं, पति दीवाने ही वाले हैं ले जाने के लिए। सो गाइस, यहाँ चल रही है हॉस्पिटल जाने की तैयारियाँ। ये 2 ब्लैंकेट है ओढ़ने के लिए, मेरी नाइटी है क्योंकि मुझे पहनने के लिए लगेगा, ये सारी चीज़ें हैं, ब्रश वगैरह है, दवाइयाँ हैं, ये सारी लेके जाना है हॉस्पिटल, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले ही निकाल के रखा है। ये 2 तकिए हैं, मम्मी ने ये सारे सुखो कर रखे हैं क्योंकि लेके जाने हैं। यहाँ पर मेरा आलमंड जो मैं रोज़ सुबह खाती थी, वो हल्का धूप में मम्मी ने कहा दे दो, क्योंकि 4-5 दिन नहीं रहोगे तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने आलमंड को थोड़ा धूप में सुखो दिया है। बोलते हैं प्रेगनेंसी में सुबह सुबह आलमंड खाना बहुत अच्छा होता है खाली पेट, तो इसलिए मम्मी ने मुझे आलमंड दिया था खाने के लिए, तो मैं वो आलमंड खाती थी। और जाने का टाइम भी हो रहा है, तो 2-3 दिन बाद ही अब खुलेगा डब्बा, तो इसलिए मम्मी ने कहा क्यों नहीं इसे थोड़ा धूप में दिखा दो, तो मैंने धूप में रख दिया। बस अब पति देव आएंगे, बाकी सारी चीज़ें देखो मैं तो भूल ही गई, फेस वॉश भी रखना था ना, एक एक चीज़ें गाय से याद आ रही है। डर तो लग रहा है बट खुशी भी बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, हॉस्पिटल जाने के लिए हम लोग घर से निकल चुके हैं, मैं और पति देव ही है। और हमारी जैसे कि मैंने बताया कि सी सेक्शन डिलीवरी है, तो कल सुबह 6 बजे हमारी सी सेक्शन डिलीवरी है, ऑपरेशन है। बट डॉक्टर ने कहा था कि एक दिन पहले ही आ जाने के लिए, एडमिट होने के लिए, तो इसके लिए मैं और पति देव ही निकले हैं, बाकी घर वाले कल सुबह में आने वाले हैं, क्योंकि हॉस्पिटल घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बस पास में ही है। तो गाइस, शाम का टाइम है और सारी चेकअप होने के बाद, मतलब कि सोनोग्राफी वगैरह होने के बाद, इसके बाद डॉक्टर ने हमें एडमिट कर लिया था। और शाम का टाइम है और वो आकर के मुझे सिलाइन भी चढ़ा दिए थे, क्योंकि सुबह में ही डिलीवरी थी, तो इसके लिए सिलाइन भी चढ़ना स्टार्ट हो चुका था। डर काफ़ी लग रहा था, रात का टाइम था, पूरी रात तो जैसे ख़त्म ही नहीं होने वाली थी, इतना ज़्यादा डर लग रहा था।
मैं और पतिदेव बस बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। रात कब निकल गया पता भी नहीं चला। उम्मीद करते हैं आज के ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, लॉट्स ऑफ लव।